अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान के जिम्बाब्वे और इंडिया के साउथ अफ्रीका से हारने के बावजूद भी पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। यह बात कई लोगों को हजम नहीं हुई थी, लेकिन इतवार की सुबह पाकिस्तानियों के लिए एक खुशी का पैगाम लेके आई। पहले नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 13 रन से हरा कर अपसेट शिकस्त दी, फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराया। उसके बाद इंडिया ने जिम्बाब्वे को बासानी 71 रन से हरा कर ग्रुप में पहली पोजिशन हासिल की। इस तरह इंडिया ग्रुप टू में 8 पॉइंट के साथ पहले नंबर पे और पाकिस्तान 6 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे रहा और दोनों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब पाकिस्तान का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से पड़ेगा, जो कि ग्रुप ए की नंबर 1 टीम थी। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड और इंडिया इंग्लैंड को हराने में कामयाब हो जाता है तो शायकीन क्रिकेट को पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल देखने को मिल सकता है। इंडिया के खिलाफ ग्रुप मैच में शिकस्त के बाद मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि इंडिया ने हमें ग्रुप मैच में हराया और हम उसे बड़े मैच में हराएंगे जब जीत वाकई मैटर करती होगी, तो अब ऐसा होता हुआ मुमकिन नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इंडिया की जगह इंग्लैंड फाइनल में पहुंच जाता है तो हो सकता है 92 की तारीख एक बार फिर दोहराई जाए और पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल देखने को मिले। वैसे तो इस वर्ल्ड कप में अभी तक जो हालात हुए हैं, पाकिस्तान की कारकर्दगी, बारिश और नामुमकिन जो रसाई नज़र आ रही थी सेमीफाइनल में, तो उससे 92 वाले वर्ल्ड कप की फीलिंग आ रही थी। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए वो भी अच्छा है कि 92 की तारीख दोहराई जाए। फाइनल जो है वो इतवार के दिन 13 नवंबर को खेला जाएगा मेलबर्न में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की बात करें तो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक नहायत शानदार कारकर्दगी दिखा रहा है। तमाम बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शाहीन आफरीदी भी जो है अपने रिदम में वापस आ गए हैं और विकेट्स ले रहे हैं, जबकि बैटिंग में हारिस जो है वो काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखाई है। उन्होंने 2 मैचों में बहुत अच्छा खेला है, कम बॉलों पे ज़्यादा रन बनाए, जबकि हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो अभी मसाइल का शिकार नज़र आता है। ना बाबर आजम से रन हो रहे हैं और ना मोहम्मद रिजवान से कम बॉलों पर ज़्यादा रन बना रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट जो है वो रन अ बॉल है ऑलमोस्ट। तो वर्ल्ड कप से पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान का मसला मिडिल ऑर्डर नज़र आ रहा था और टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद टॉप ऑर्डर जिस पे तकिया था वही हवा दे रहा है। तमाम उम्मीद की जा सकती है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खुद को बड़े मैच का प्लेयर साबित करें और पाकिस्तान को सेमीफाइनल और फाइनल में कामयाबी से हमकनार करें। अच्छा, अगर इस टूर्नामेंट में अपसेट्स की बात की जाए तो पहले जो क्वालिफाइंग राउंड हुआ उसमें नामीबिया ने श्रीलंका को हराया, स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को हराया और फिर आयरलैंड ने भी वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ मेन राउंड के लिए क्वालिफाई ना कर सका। मेन राउंड में पहली अपसेट शिकस्त इंग्लैंड को आयरलैंड के हाथों हुई, जब बारिश से मुतासर मैच में आयरलैंड डकवर्थ लुइस पर 5 रन से जीत गया। दूसरा बड़ा अपसेट जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की 1 रन से नाकामी की सूरत में सामने आया, जबकि तीसरे बड़े अपसेट में नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 13 रन से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और पाकिस्तान की सेमीफाइनल के लिए राह हमवार की। इसके अलावा कई मैचेस में छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को टफ टाइम दिया। 92 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को हराया था, जिसके बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सका। अच्छा, इस टूर्नामेंट में भी नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया तो ही पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सका है। आखिर में मैं अपने सबका क्रिकेट प्लेयर्स को थोड़ा आईना दिखाना चाहता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान के जिम्बाब्वे के खिलाफ शिकस्त के बाद टीम पर तनकीद के बेपनाह तीर बरसा दिए थे। सबसे पहले बात करते हैं 1999 में बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त की। इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम थे, जबकि दीगर खिलाड़ियों में शाहिद आफरीदी, इंजमाम उलग, मुइन खान, सलीम मलिक, वकार यूनुस और शुएब अख्तर भी थे। पाकिस्तान ये मैच 62 रन से हार गया था। इसी तरह 2007 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ 3 विकेटों से हारा था और टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। इसमें इंजमाम उलग कप्तान थे, जबकि दीगर चीदा खिलाड़ियों में मोहम्मद हफीज, यूनुस खान, शुएब मलिक और कामरान अकमल थे। ये सब बताने का मकसद ये था कि अच्छी बुरी कारकर्दगी हर किसी से हो सकती है, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान, जबकि आप टूर्नामेंट से अभी बाहर भी नहीं हुए थे, अपने प्लेयर्स को तनकीद का निशाना बनाना किसी तौर दुरुस्त नहीं। अफसोस सबको हुआ था, लेकिन तनकीद जो है वो तामीरी होनी चाहिए। अब दुआ यही कि पाकिस्तान जो है वो बेहतर कारकर्दगी दिखा के सेमीफाइनल और फाइनल में कामयाबी हासिल करके ट्रॉफी अपने नाम करे और लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेर दे।